नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सीकेपी लाइव से आपको ये नया भवन दिखाने जा रहा हूँ। हम अभी अनुमंडल अस्पताल में खड़े हैं। देखिए, देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर पूरे सीकेपी में मरीजों के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जैसे कोविड आया हुआ था उसमें बेड्स वगैरह वैसा ना, डॉक्टर सब चीज़ का असुविधा हो चुका था पूरा। लेकिन अब ये नया जब भवन तैयार हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारे असुविधाएँ अब दूर हो सकती है। आने वाले कुछ समय में हम इन इस तरह के असुविधाओं से अच्छी तरह से बच सकते हैं। अभी दिखा देता हूँ मैं अंदर आपको, इसका जो सुविधाएं मिलने वाली, जैसे रूम्स होंगे, देख सकते हैं ये सभी रूम्स अब तैयार हो रहे हैं। कोई एक ही रास्ता सभी चीज़ का व्यवस्था पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। लाइट्स वगैरह जितने भी देख सकते हैं यहाँ पे, खासकर ऊपर चढ़ने के लिए जो विकलांगों के लिए दिक्कत होती थी, वो सभी इस रास्ते से जा सकते हैं ऊपर। सरकार सोच के इनको बहुत ही आसान मतलब सुविधाएं हमको दे सकती है। वेटिंग एरिया भी लगभग ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सुविधाओं का आनंद लेना चाहिए। लोग सरकारी अस्पताल के नाम से डरते हैं, सोचते हैं कि यहाँ सुविधाएं नहीं होंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आने वाले कुछ समय में ये सभी सुविधाएं हमें प्राप्त हो सकती है। बस हमें भरोसा बनाए रखना है अपने सरकार पे। देख सकते हैं पिछले दिनों कोविड में जो हमें असुविधाओं का झेलना पड़ा था, अब वो सभी असुविधाएं अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। यह भवन बहुत ही जल्द तैयार हो सकता है। इस विषय में हम आपको अगले कुछ दिनों में आपको रिपोर्टिंग देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। जय हिंद।